आज हम बनाएंगे टेस्टी मालपुए एकदम गोल गप्पे की तरह फूले फूले हुए। कुछ बातों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो सारे पुए आपके एकदम गोल गप्पे की तरह फूलेंगे और तेल भी ये कम सोखेंगे, और ना आपके पुए तेल में चिपकेंगे, ना फटेंगे, और ना ही कोई इसमें गुठली रहेगी, और एकदम रस भरे टेस्टी मालपुए बनकर तैयार होंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। टेस्टी मालपुआ बनाने के लिए अब हम मैदा लेंगे, तो मैंने यहाँ 1 कप मैदा लिया। आप चाहे तो गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। अब इसमें 1/4 कप सूजी डाल देंगे, उसके बाद 1.5 कप इसमें दूध डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जितना आपको बनाना हो ना उस हिसाब से सारी चीज़ें ले। अब दूध डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे 15 से 20 मिनट के लिए ढककर हम छोड़ देंगे, जिससे क्या होगा ना कि सूजी है वो अच्छे से फूल जाएगी। आप चाहे तो आधे घंटे के लिए भी इसे ढककर छोड़ सकते हैं फूलने के लिए। जब तक सूजी फूल रही है तब तक हम चाशनी बना लेते हैं पुआ के लिए। तो यहाँ पर 1 कप चीनी और 1 कप पानी डालेंगे और गैस का फ्लेम ऑन करके चीनी को चलाते हुए इस तरीके से पिघलने देंगे। तो चीनी यहाँ पर अच्छे से पिघल चुकी है और इसमें उबाल भी आ चुका है। तो अब इसमें 1/2 छोटा चम्मच इलायची पाउडर डाल देंगे या फिर 2-3 इलायची कूट कर डाल दे, और चीनी को मतलब चाशनी को चलाते हुए इसे हम थोड़ी देर और पका लेंगे। तो यहाँ पर ना कोई 1 या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस चाशनी चिपचिपी हो जाए उतना इसे हमें पकाना। तो यहाँ पर चाशनी बनकर तैयार है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और पुआ के लिए ना ऐसे ही चिपचिपी चाशनी बनानी है। तो ये चाशनी तो बन चुकी है, अब यहाँ पर हम ढक्कन हटाकर चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये जो बैटर है ना पहले के हिसाब से आपको थिक लग रहा होगा, सूजी भी यहाँ पर अच्छे से फूल चुकी है, 20 मिनट हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर मालपुआ बना रहे हैं, तो 1/4 कप मैंने यहाँ पर रबड़ी डाला है घर में बनाया हुआ, और 1/2 छोटा चम्मच या 1/4 छोटी चम्मच इसमें इलायची पाउडर डालकर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इन सारी चीज़ों को, रबड़ी को। इसमें सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी है, लेकिन अब हम क्या करेंगे ना कि इस बैटर को थोड़ी देर एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए इस तरीके से अच्छे से फेंट लेंगे, जिससे क्या होगा ना कि ये बैटर एकदम हल्के हो जाएंगे, इसके अंदर ढेर सारे एयर बबल्स बनेंगे, और इस तरीके से जब आप मालपुआ बनाएंगे ना तो एकदम फूले फूले हुए आपके सारे पुए बनेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो बैटर है ना एकदम हल्के लग रहे होंगे, मतलब ऐसा फेंटते फेंटते ना आपको फील होगा कि ये हल्के लग रहे हैं, और इसमें ढेर सारे देखिए एयर बबल्स आ रहे हैं, इसका मतलब ये बैटर ना अच्छे से फेंट चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर तेल गर्म करेंगे और तेल को ना यहाँ पर हम चेक कर लेंगे थोड़ा सा बैटर डाल के। तो ये देखिए हल्के हल्के से बबल आ रहे तेल में, और बैटर है वो कितने अच्छे से ऊपर उठ कर आ गया, इसका मतलब है तेल भी अच्छा गर्म है और बैटर भी हमारा यहाँ पर अच्छा बना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बैटर लेंगे और धीरे धीरे इस तरीके से ना बैटर को तेल में डालते जाएंगे और बस ऐसे ही छोड़ दें। और यहाँ पर इसी तरीके से मैंने एक बड़ा सा पैन लिया ताकि एक बार में ना 3-4 बैटर यहाँ पर मतलब पुए बन जाए। तो इसी तरीके से बैटर डालते जाइए धीरे धीरे, और इसे फैलाने की ना कोई ज़रूरत नहीं है, बस धीरे धीरे डालकर इसे छोड़ दीजिए। आप देखेंगे कि ये जो पुए हैं ना धीरे धीरे खुद ही ऊपर आ जाएंगे। पुआ तलते टाइम गैस का फ्लेम मीडियम रखे और मोटे तले वाले बर्तन में ही पुआ तले। तो यहाँ पर देखिए वो जो पुआ है ना तेल के ऊपर तैरते हुए इस तरीके से ऊपर आ गए हैं, और जब इसके ऊपर आपको कोई भी लिक्विड बैटर नहीं देखे पुए के ऊपर साइड में और नीचे से ये हल्के तल चुके हैं तभी पलट ले। और यह पलटने के बाद ना इसके ऊपर भी हल्का हल्का इस तरीके से तेल डाल दे, जिससे क्या होगा ना कि गर्म तेल से ये पुए हैं और भी अच्छे से फूल जाएंगे। अगर कोई पुआ आपका नहीं भी फूल रहा हो, मतलब कम फूल रहा हो ना, तो वो भी अच्छे से फूल जाएंगे। तो इसे एक साइड से पलटने के बाद दूसरे साइड भी इस तरीके से हम पलट लेंगे। तो यहाँ पुए को ना इस तरीके से साइड में लाकर धीरे से पलटे ताकि तेल के छींटे आप पर ना पड़े, और इसी तरीके से अलटते पलटते हुए इन्हें दोनों साइड से ना अच्छे से तल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सारे पुए एकदम गोल गप्पे की तरह फूल गए। तो जब पुए आपके इस तरीके से फूल जाते हैं ना, इसका मतलब है कि वो अंदर से अच्छे से पक जाते हैं और पुए में कोई भी गुठली आपकी नहीं रहेगी, और बहुत ही टेस्टी एकदम रस भरे पुए आपके बनकर तैयार होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये अच्छे से तल चुके हैं, इसमें गोल्डन कलर आ चुका है। तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे, और इस तरीके से जब आप पुए का बैटर बनाएंगे ना तो एक भी पुआ ऐसा नहीं होगा कि नहीं फूलेगा, सारे पुए एकदम गोल गप्पे की तरह फूल जाते हैं। तो इसी तरीके से बाकी जो बचा हुआ बैटर है ना उन्हें भी तेल में इस तरीके से धीरे धीरे डाल देंगे और छोड़ देंगे।
खुद ही ये बैटर ना फैल जाएंगे, अपना शेप ले लेते हैं। तो जिस साइज का भी आपको पुआ बनाना हो उस हिसाब से आप बैटर तेल में इस तरीके से डाल दे। तो यहाँ पर देखिए ये भी पुए हैं एकदम अच्छे से फूल चुके हैं, लेकिन पुए तुरंत पिचक भी जाते हैं और चाशनी में डालने के बाद पहले के हिसाब से इनका कलर भी लाइट हो जाता है। तो अब गर्मा गर्म पुओं को इन गर्मा गर्म चाशनी में डाल के इन्हें अच्छे से डुबकी लगा देंगे। तो जब आप पुओं को डालें ना तो चाशनी ना हल्की गर्म होनी चाहिए, और बस इन्हें चाशनी में डालकर 2 से 3 मिनट डालने के बाद इन्हें निकाल लेंगे, क्योंकि पुए जब गर्म होते हैं ना तो चाशनी को ये जल्दी से अपने अंदर सोख लेते हैं। लेकिन अगर आपके पुए ठंडे हो ना तो उन्हें गर्म चाशनी में 5 से 6 मिनट के लिए डालें, उसके बाद चाशनी से निकालें, क्योंकि ठंडे पुए ना चाशनी को सोखने में थोड़ा ज्यादा टाइम लेते हैं। तो ये देखिए हमारा टेस्टी रसीला मालपुआ बनकर रेडी है। इसके अंदर रस एकदम अच्छे से भरा हुआ, पुए ने रस को अपने अंदर एकदम अच्छे से सोख लिया है। और अगर आपको और एक्स्ट्रा चाशनी चाहिए तो ऊपर से इस तरीके से ले सकते हैं। अब यहाँ हमने टेस्टी मालपुआ बनाया है, तो अगर आपको रबड़ी भी चाहिए तो इस तरीके से रबड़ी भी डाल ले, कम या ज्यादा जैसी आपकी मर्जी। बिना रबड़ी के भी इसे खाएंगे ना तो ये रसीला मालपुआ बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में, और एक भी गुठली इसके अंदर आपको नहीं मिलेगी। तो फिर देर किस बात की, आप भी बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।